कर रही हूँ फॉर द यूट्यूब वीडियो. या सो वन अगेन गुड इवनिंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स. सो आई वाज जस्ट आस्किंग यू ऑल द नेम ऑफ द सब्जेक्ट दैट आई एम टेकिंग. गुड, थैंक यू सो मच शमल, सुनैना, सुहास, प्रज्ञा फॉर आंसरिंग. इट इज ई कॉमर्स. एब्सोल्युटली राइट, वेरी गुड. ओके, तो ये बहुत ही डिफरेंट सब्जेक्ट है इफ़ यू सी फ्रॉम बिजनेस एथिक्स एंड CSR. ओके, सो ओके, बिफोर आज सी फर्स्ट लेक्चर जो होगा, ऑब्वियसली एकदम डिटेल में हम लोग नहीं जा रहे. मैं आपके फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू आई वॉन्ट टू नो वॉट अकॉर्डिंग टू यू इज ई कॉमर्स. ये एक ऐसा सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स, लेट मी टेल यू. एनी वे, थैंक्स प्रज्ञा, महादेवी एंड महिमा फॉर आंसरिंग. या ये मैं ई कॉमर्स का बोल रही थी. ये मे बी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपका नॉलेज शायद मेरे से भी ज़्यादा हो सकता है, बिकॉज यू नो यू पीपल आर टेक सेवी, टेक्नोलॉजी में काफ़ी आगे हो. सो पहले कैसे होता था, एथिक्स में आई यूज टू टेल यू, अब इसमें तुम मुझे बताओगे वैसा है. ठीक है, सो यस, अमय इज राइट. ई जो होता है, ई का फुल फॉर्म इज इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स. एब्सोल्युटली करेक्ट. सो चलो, आप लोग मुझे एकदम मीनिंग नहीं, बट कैन यू गिव मी सम एग्जाम्पल्स अकॉर्डिंग टू यू ई कॉमर्स क्या है. चलो अभी यू नो स्टूडेंट्स, बिकॉज ऑफ लॉकडाउन स्पेशली ई कॉमर्स एक ऐसा सेगमेंट है, इसमें कितनी सारी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आ गई है. सो मैनी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैव कम अप. बिकॉज नॉर्मल अगर आप देखते हो, मैं मार्केटिंग एंड ऑल डिफाइन करूँ, तो पहले क्या होता था, एक मंडी मार्केट लगता था. पीपल यूज टू कम देयर, बार्गेनिंग कराते थे, बाय करते थे. आज के टाइम में अगर आप देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो नो वन हैज़ द टाइम टू गो. किसी के पास टाइम नहीं है कि मार्केट में जाओ, इधर उधर सर्च करो. यू नो स्टूडेंट्स, अगर आप इधर उधर जाते हो, अगेन मुंबई में आप ऑटो से भी जाओगे ना. आई रिमेम्बर वंस, गर्ल्स माइट नो दिस, ये घाटकोपर वेस्ट जो है वहाँ पे वो गुरुवार मार्केट लगता है, थर्सडे शॉपिंग. तो वहाँ पे ईस्ट से वेस्ट जाना हो तो भी ऑटो का ही, फाइवुड से अगर ट्रैफिक होता है तो यू नो आराम से, आई मीन हमारा RCT भी अगर जाना हो फ्रॉम आवर कॉलेज, आराम से 50 रुपीज उसका ही होगा, मतलब आने जाने का 100, राइट. सो आई मीन आजकल कोई भी जाने से पहले दे थिंक अबाउट इट ट्वाइस. ओके, बिकॉज नो डाउट सस्ता है ऑल, ठीक है, बट ट्रैवलिंग में हमारा कितना टाइम जा रहा है, एनर्जी जा रही है, एंड किसी के पास वो है नहीं. ओके, सो नाउ लेट मी हैव अ लुक एट योर व्हाट यू ऑल हैव रिटन. वेरी गुड, महिमा का आंसर इज एब्सोल्युटली राइट. द बिजनेस ऑफ बाइंग थिंग्स ओवर द इंटरनेट. एब्सोल्युटली, मतलब बोलो, हम बोलते हैं ना फिजिकल मार्केट नहीं है, बट सब कुछ हम बोल रहे हैं ना इन डिजिटल इंडिया, मतलब एवरीथिंग इज हैपनिंग ऑनलाइन ओनली, वर्चुअल रियलिटी हम उसको बोलते हैं. सो वेरी गुड अमय एंड महिमा, हैव गिवन मी द राइट आंसर. एग्जाम्पल्स उन्होंने दिए, अमेजोन, फ्लिपकार्ट. आई एम श्योर स्टूडेंट्स, एवरी वन इन द क्लास, ऐसा कोई है जो बोलता है कि आज तक मैंने कभी अमेजोन से कुछ खरीदा नहीं है, या तो फ्लिपकार्ट से मैंने कुछ खरीदा नहीं है, ऐसा कोई है क्लास में? एनी वेबसाइट यू टेक, ओके, फॉरगेट अबाउट अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट. आई एम श्योर कभी ना कभी आपने परचेस किया ही होगा एनी प्रोडक्ट. आई एम टेलिंग, नॉट जस्ट क्लोथिंग हो, इट कुड बी एनी थिंग. आजकल आपको अगर पता है स्टूडेंट्स, नया ट्रेंड यू नो बिग बाजार है, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, एवरी वन, दे हैव इवन स्टार्टेड सेलिंग ग्रोसरीज ऑनलाइन. ग्रोसरी मतलब नॉर्मली हमारे ये तो दाल चावल होते थे, बिग बास्केट आपने सुना होगा, राइट. तो आई मीन यू नो वो लोग घर पे आके पहुंचा जाते हैं ग्रोसरीज. नॉर्मल अगर हम हमारे पेरेंट्स के देखे, व्हाट वाज देयर ट्रेडिशनल थिंकिंग, कि नहीं, ग्रोसरी हम खुद स्टोर जाएंगे, खुद सिलेक्ट करेंगे, तभी जाके हो पाएगा. आजकल सी हाउ थिंग्स आर चेंजिंग. ओके, सो दैट इज व्हाट इज टोल्ड ओवर हियर. यहाँ पे अगर आप देखते हो PPT में, वही लिखा है, द इंटरनेट हैज चेंज्ड द बिजनेस वर्ल्ड, करेक्ट. या और आई विल टेल व्हाट ऑल यू हैव रिटन, मैं वही बोल रही हूँ.
इट हेल्प्स द बिजनेस टू ग्रो इजीली. एब्सोल्युटली राइट रोहिणी. यू नो, इससे मुझे एक स्टेटमेंट याद आ गई. आई विल टेल यू. आप सबको पता ही होगा हु इज बिल गेट्स. कैन यू टेल मी बिल गेट्स इज द फाउंडर ऑफ? कोई बता सकता है? ऐसे कई बार एमसीक्यू स्टूडेंट्स को भी एमसीक्यू ही है, तो अगर मैं कई बार ऐसे क्वेश्चंस भी पूछ सकती हूँ. ओके, कि ये पर्सन कौन है, भले ही वो टेक्स्ट बुक में डायरेक्टली ना हो. आई कैन आस्क यू बिकॉज पता होना चाहिए. गुड, शमल हैज गिवन मी द राइट आंसर. आई रियली अप्रिशिएट. सुहास ने भी ट्राई किया है. करेक्ट आंसर इज माइक्रोसॉफ्ट. ओके, ये माइक्रोसॉफ्ट इज द राइट आंसर स्टूडेंट्स. एमेजोन का आई विल कम. फाउंडर कौन है क्या? इट्स माइक्रोसॉफ्ट इज राइट, बिल गेट्स. ओके, सो स्टूडेंट्स इफ यू रिमेम्बर, थैंक्स सुहास प्रज्ञा फॉर आंसरिंग. आपको अगर याद होगा, व्हेन आई वाज टीचिंग यू, आई थिंक एथिक्स पढ़ा रही थी, तभी शायद मैंने, आई माइट हैव टोल्ड यू अबाउट बिल गेट्स, द फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट. आप लोग ये सब जो यूज करते हो ना, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, क्योंकि वो सब उसका क्रिएशन है. तो उसने बेसिकली, उसका भी आपको आएगा आगे, WWW एंड ऑल स्टडी करोगे तो. तो ही हैड वंस टोल्ड दिस स्टेटमेंट कि जो कंपनीज है, यू नो, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट ही सेड. ओके, आप सिर्फ सुनो, मैं अभी कुछ पढ़ा नहीं रही हूँ. आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द जनरल इंफॉर्मेशन ऑन दिस सब्जेक्ट. हम बोलते हैं ना, फर्स्ट लेक्चर जस्ट एक ओवरव्यू दे रही हूँ. सो व्हाट ही हैड बेसिकली टोल्ड इज कि जो कंपनीज बेसिकली जिनका ऑनलाइन प्रेजेंस नहीं होगा, ओके, दैट बिजनेसेस विल सीज टू एग्जिस्ट. मीन्स व्हाट? अगर फॉर एग्जांपल, यू नो, कोई, लेट्स अज्यूम कोई एक सिंपल एग्जांपल, एक ओनर है, मे बी ही ओन्स अ साड़ी का शोरूम. ओके, फॉर एग्जांपल, वो अब ऐसा बोल रहा है कि मेरा तो सालों से काफी अच्छा बिजनेस चल रहा है, ये सब ऑनलाइन में आना, वेबसाइट करना, यू नो, इसमें काफी खर्चा हो जाता है, कौन ये सब मगजमारी में पड़ेगा, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, बिजनेस सालों से जो स्टोर का बिजनेस चले आ रहा है वैसे ही करते जाओ. दिस इज वॉट हिज मे बी ओरिजिनल मेंटालिटीज. ठीक है, तो आई मीन ऐसा अगर आज के टाइम में कोई सोचेगा ना स्टूडेंट्स, ये सब बंद हो जाएगा. आप ट्रेडिशनल, इफ यू टॉक अबाउट स्टोर्स, आप देखो स्टूडेंट्स, चलो स्टोर एंड ऑल ठीक है, बट आज के टाइम में इफ यू सी स्टूडेंट्स, जो रेंट देना पड़ता है स्टोर का, इट्स नॉट समथिंग चीप. अगर आप देखते हो इतने, फिर एम्प्लॉयज के उसमें खर्चे भी हो जाते हैं, सैलरी देनी पड़ती है, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स एंड ऑल स्टोर में एंड ऑल जाता ही है. आप अगर देखते हो स्टूडेंट्स, ये सब अमेजोन, फ्लिपकार्ट क्यों ये सब बेसिकली सक्सेसफुल हुए, द मेन रीजन बीइंग, यू नो, दे हैव चेंज द वे. पहले सबको यही लगता था, यू नो, मैंने आपको शायद एग्जाम्पल दिया था कि नहीं, आई डोंट रिमेम्बर. मेरे जो डैड थे, ओके, ही बेसिकली इन्वेस्ट इन शेयर्स. ओके, सो ही वॉज गिविंग मी एन एग्जाम्पल कि यू नो, कुछ साल पहले, आई एम श्योर यू नो अबाउट इट, इन्फोसिस एंड ऑल जो कंपनी है, ओके, आ रही थी आईटी के वर्ल्ड में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. सो वो टाइम पे पीपल है वेरी रिलक्टेंट. आई मीन किसी को ये चीज़ पता ही नहीं थी कि कंप्यूटर क्या है, आईटी क्या है. वो टाइम पे लोगों की यही मेंटालिटी थी कि जो कंपनी जिसकी फैक्ट्री है, ओके, जितने उनके प्लांट्स है उतना वो बिजनेस स्ट्रांग है. देवे लाइक, ये तो कोई नई चीज है, फालतू है, आके बंद भी हो जाएगी. बट सी हाउ इट टोटली चेंज द वर्ल्ड. कितनी कंपनीज आई और गई, बट TCS है, इन्फोसिस है, सच IT कंपनीज, उनका फ्यूचर अभी भी कितना ब्राइट है. ओके, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, विद इन सी, आप अगर देखते हो स्टूडेंट, CSR में मैं बोल रही थी, कंपनीज लाइक गोदरेज, रिलायंस, 100 साल पुरानी कंपनीज भले ही हो, बट लुक एट फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, अलीबाबा. अलीबाबा का एग्जाम्पल आई एम श्योर मैंने जैक मा का दिया होगा, राइट, इन द लास्ट सेम. सो वही मैं बोल रही थी, विद इन सच अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम वो लोग ने कितना सक्सेस अचीव किया.
That is all because of internet, correct? I hope you know the story of Jack Ma students, the founder of Alibaba. Almost 52 टाइम्स उसको लाइफ में फेलियर मिला था. उसको कोई एक अच्छी जॉब नहीं मिली, पढ़ाई में ही वॉज एवरेज, कुछ खास नहीं था, टोटली स्ट्रगलिंग मिडिल क्लास पर्सन. सो ही स्टार्टेड वर्किंग एज अ स्कूल टीचर. फिर आगे जाके यू नो वंस इन हिज 30s और समथिंग वो ही हैपन टू गो टू द US. सो वहाँ पे उसने देखा इंटरनेट, देर इज समथिंग न्यू कमिंग अप नोन एज द इंटरनेट. तो वो टाइम पे चाइना में ऐसा कुछ नहीं था, एंड इफ यू नो चाइना स्टूडेंट्स, वहाँ पे दे डोंट स्पीक इंग्लिश. वो लोग को खुद की लैंग्वेज समझ में आती है, चाइनीज, मैंडेरियन बोलते हैं हम उसको. पूरा जो वहाँ का कंसेप्ट था ही वो पूरा चाइना में लेके आया, द कंसेप्ट ऑफ इंटरनेट. फिर अली बाबा ग्रुप उसने फाउंड किया. नाउ अगर आप देखो, इट इज द बेस्ट प्लेस टू परचेज अली बाबा पूरे वर्ल्ड में. ही इज नाउ उसके, जस्ट लुक एट इज लक, फ्रॉम, हम बोलते हैं ना, फ्रॉम स्क्रैच उसने स्टार्ट किया, लुक एट वेयर ही इज नाउ. सो ई कॉमर्स, कितना कम टाइम में समवन कैन बी सक्सेसफुल. तो दीज एग्जाम्पल्स वे एब्सोल्यूटली राइट, द वे वी शॉप. लाइक यू नो स्टूडेंट्स, पहले आई रिमेम्बर, लेट्स अज्यूम अगर अर्जेंट में मेरे साथ ही हुआ था, लाइक यू नो ड्यूरिंग द लॉकडाउन की बात है ये. माय मोबाइल फोन ब्रोक ड्यू टू सम रीजन, टूट गया था. ये तब की बात है, इफ आई विल टेल यू एग्जैक्टली लास्ट मार्च, आप लोगों को याद है व्हेन द सेंटर हैड अनाउंस्ड अ स्ट्रिक्ट लॉकडाउन. तभी आई रिमेम्बर पूरी एक एक शॉप बंद हुआ करती थी, लोकल ट्रेन्स बंद थी. आप लोगों को भी याद होगा एग्जैक्टली लास्ट मार्च की अगर मैं बात करती हूँ. सो आई मीन मेरे आसपास के तो सब स्टोर्स बंद थे, एंड क्या होता था, मैं लेक्चर्स लेती थी तभी भी. काम करना पड़ता है. सो इमीडिएटली आई ऑर्डर प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर अ फोन ऑन अमेजोन. बिकॉज शॉप एंड ऑल तो था नहीं, सो दिस वॉज द ओनली ऑप्शन आई हैड. तो इवन इन द टाइम ऑफ लॉकडाउन, आई गॉट दिस सर्विस. तो इसीलिए आई मीन यू नो कितना, इफ आई वुड से मॉडर्न, पहले के टाइम में कोई ऐसा सोचता भी नहीं था. यू नो अगेन माई फादर यूज टू टेल मी, MTNL के एंड ऑल जो पहले लैंडलाइन फोन्स होते थे उसके लिए लाइन लगती थी लिटरली. ये सब आप आगे पढ़ोगे स्टूडेंट्स, कितने एडवांटेजेस हैं ई कॉमर्स के ओवर योर नॉर्मल ऑफलाइन मोड्स. ठीक है, सो आई होप आप लोगों को थोड़ा आइडिया आ रहा है. ये PPT इफ यू सी, ओके लेट मी सी इफ समवन हैज रिटन एनीथिंग मोर. यस, शमल हैज रिटन ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, शॉपिंग, बाइंग ग्रोसरीज, एवरीथिंग वी ट्रांजैक्ट, ऑनलाइन बैंकिंग ऑल्सो. एब्सोल्युटली राइट. यू नो सिंस आई वॉज टॉकिंग अबाउट ऑनलाइन शॉपिंग, तो ऑनलाइन बैंकिंग ऑल्सो स्टूडेंट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू नो स्टूडेंट्स, जब इंडिया में दैट डीमोनेटाइजेशन हैड कम अप, अब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने ये चीज़ भी अनाउंस की थी कि यू माइट हैव हर्ड डिजिटल इकोनॉमी, नया भारत. वॉट एग्जैक्टली इज दैट? यू नो पेपरलेस इकोनॉमी हम बोलते हैं ना, मतलब करेंसी नोट्स एंड ऑल है, हो सके उतना कम यूज करो, सब कुछ ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस ही करो. अगेन इफ आई विल टेल यू, यू नो मैंने कई बार देखा है, स्पेशली इन रेनी सीजन, आई एम श्योर सबके साथ हुआ होगा, कैरिंग नोट्स इज सच अ बिग प्रॉब्लम. मैं आपको अगर बताऊँ क्या हो जाता है, यू नो एक तो अगर बारिश है समथिंग, पानी नोट गीला हो जाता है आपका, वो फट जाता है, प्रॉब्लम है. ऑनलाइन में अगर आप देखो स्टूडेंट्स, अगेन मैं पर्सनली एग्जाम्पल दे रही हूँ, आई वॉज एट दी एयरपोर्ट, मुझे कुछ थोड़े पैसे कम पड़ रहे थे. एंड मेरे पास, आई डोंट बिलीव इन कैरिंग कैश एंड ऑल, बिकॉज चोरी थेफ्ट का भी डर होता है, करेक्ट? सो वॉट आई डिड बेसिकली इज, यू नो पेटीएम एंड ऑल से तुरंत, नावाडेज एवरी वन, यू नो इवन माई दूध वाला जो है, सब्जी वाला है, इवन दे एक्सेप्ट पेटीएम, वो सब लोग भी स्मार्ट है, दे नो एवरी थिंग. तो मैं मतलब वही बोल रही थी, ऐसे इमरजेंसी के टाइम पे इट हैज़ बिकम सो गुड स्टूडेंट्स. अभी मैं कोरोना की ही बात करूँ,
ये डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड इतने काम में आती है ये चीजें. यू नो आप खुद सोचा, आई टेल यू समवन, फॉर माय फैमिली हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा था, कोरोना ही था. सो यू नो हॉस्पिटल वालों ने कहा था कि आप ऑलमोस्ट यू नो 40-50,000 रुपीज अभी जमा करके दो. नाउ सी स्टूडेंट्स, ड्यूरिंग सच टाइम्स व्हेन बैंक्स एंड ऑल बंद थे, इट इज नॉट पॉसिबल कि हम विद इन वन डे, चलो घर पे है तो ठीक है, बट पॉसिबल नहीं है ना, इतनी ज्यादा अमाउंट हम कहाँ से अरेंज करें. ओके, सो ऐसे टाइम पे हमारे डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड ही काम आए थे बेसिकली, बिकॉज बैंक भी बंद थे वो टाइम पे. सो अगेन, अगर आप देखो यहाँ पे सी इट्स ऑल रिटन, मास्टर कार्ड, वीजा, आप लोग के पास भी होगा, मतलब जो लोग इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस करते हैं दे मोस्टली यूज दिस. रुपे, अगर आप देखो, RUPAY, रुपे, ओके, वो इंडिया में हम यूज करते हैं नॉर्मली, इंडिया में वेर एवर यू शॉप करें. ऑनलाइन बैंकिंग, मतलब आप अगर देखो स्टूडेंट्स, यू नो आज के टाइम में आई डोंट नो, जो या आई कैन सी देयर फ्यू BBI स्टूडेंट्स, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, आपको पता ही होगा बैंक्स में कोई भी अकाउंट खोलना है हमें, ओके, उसके पहले वी हैव टू डू KYC, मतलब नो योर कस्टमर. तो वो लोग पहले क्या होता था, हम बैंक में जाते थे, आधार कार्ड दो, पैन कार्ड दो, ओके, अब सब कुछ घर बैठे. व्हाट दे विल आस्क यू इज आप स्कैन करके हमें कॉपीज भेज दो, हो गया आपका KYC. हाँ, कुछ फॉर्मेलिटीज है, मे बी उसके लिए यू माइट बी रिक्वायर्ड टू गो, बट अदर देन दैट इफ आई विल टेल यू, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है. लोन के लिए भी आपको अप्लाई करना है, ओके, ट्रांसफर्स तुरंत ऑनलाइन ट्रांसफर्स, पैसा किसी और के अकाउंट में चला जाता है. पहले यू नो लंबी लाइन लगानी पड़ती थी कि अरे मेरा नंबर कब आएगा. ओके, नाउ एवरीथिंग हैज बिकम पॉसिबल. ऑनलाइन टिकट्स, इसका अगर मैं एग्जांपल दूँ स्टूडेंट्स, हैव यू हर्ड ऑफ BMS? BMS मतलब बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, नहीं, बुक माई शो. आपने नाम सुना है बुक माई शो का? यस और नो? क्या है बुक माई शो, एनीवन हैज एनी आइडिया? यस, क्या है वो, कैन एनीवन टेल मी? बुक माई शो, BMS, मैं उसको BMS ही बोलती हूँ. एब्सोल्युटली राइट शमल, ऑनलाइन मूवी टिकट्स. नाउ सी स्टूडेंट्स, अभी तो चलो बिकॉज ऑफ कोविड एवरीथिंग इज क्लोज, बट ये जब यू नो मॉल्स में एंड ऑल, यस वेंकटेश राइट, मूवी टिकट्स जो होती है नॉर्मली, इफ यू सी स्टूडेंट्स, आई रिमेम्बर व्हेन आई वॉज वेरी यंग, यू नो मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था, आई वॉज वेरी यंग एट दैट टाइम, ओके, व्हेन दिस मूवी हैड कम, कोई मिल गया, सो एवरी वन, इट वॉज अ बिग हिट एट दैट टाइम, राइट अमय. सो मुझे वो मूवी देखने जाना था, तो मैं गई वहां पे. वी हमारे से जो पहले था दे गॉट द टिकट, बट हम बोलते हैं ना थोड़े से ही रह गए, वी कुडंट गेट द टिकट. आई मीन एक तो हम, इट वॉज अ बिट फार फ्रॉम माई प्लेस वो जो थिएटर था, सो हम लोग वहां पे गए थे, जाके भी हमें टिकट नहीं मिली. अगेन अ वेस्ट ऑफ टाइम मनी, एंड मूवी तो देखने को मिली ही नहीं, दैट इज अनदर पार्ट. मैं क्या कहना चाहती हूँ बेसिकली आप लोगों को, यू नो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन टिकट आपने अगर बुक माई शो पे, समवन इज टेलिंग दे हैव बुक्ड, आपको पता होगा उसमें वी गेट दी ऑप्शन ऑफ सीट सिलेक्शन ऑल्सो. लाइक कोई अगर बोलता है मुझे वो एंड की सीट चाहिए, कि मुझे कॉर्नर की सीट चाहिए, कि मेरा पूरा ग्रुप है, हम सब ग्रुप को एक ही रो में सीट चाहिए, वो सब ऑप्शंस अवेलेबल है स्टूडेंट्स. यू नो इवन पहले से ही अगर इफ समवन इज सेइंग मुझे पॉपकॉर्न चाहिए, मुझे फॉर एग्जांपल यू नो आई वांट समोसा चाहिए, वो सब भी पहले से इट कैन हैपन, मतलब वी नीड नॉट वेट. पहले यू नो हम, आई रिमेम्बर इवन ट्रेन टिकट्स की ही बात कर लो स्टूडेंट्स, अनदर बिग टास्क. आई रिमेम्बर पहले मुझे मेरे नेटिव जाना होता था, तो यू नो आई रिमेम्बर 2-3 महीने के पहले से माई मॉम यूज टू गो टू द स्टेशन टिकट खरीदने के लिए. उसमें भी वी हैड टू सी कौन सीट अवेलेबल है कि नहीं, ओके, उसके बाद टिकट बुक कराते थे 1-2 महीने पहले,
फिर उसके बाद अगर कुछ हो गया, मतलब ड्यू टू सम रीजन नहीं जाना हुआ, दैट इज अनदर पार्ट. आज के टाइम में अगर आप देखते हो स्टूडेंट्स ऑनलाइन, इवन आप इफ यू नो अमेजोन फ्लिपकार्ट के भी फ्लाइट टिकट्स एंड ऑल के बुक होते हैं. ट्रेन की मैं अगर बात करूँ, IRCTC का ऐप है. ओके, एनीथिंग यू डू ट्रैवल की, इफ आई विल टॉक यू नो, जस्ट रिसेंटली आई थिंक आप लोगों की एग्जाम एंड ऑल थी, आई हैड बीन ऑन अ ट्रिप टू कश्मीर. ओके, सो बेसिकली वो सब ट्रैवल का भी, इफ यू सी ट्रैवल टिकट्स है, बुकिंग है, एवरीथिंग हैपन्स ऑनलाइन. ऐसी कौन सी चीज़ है जो ऑनलाइन नहीं हो रही है? आप अगर देखते हो पहले हमारे लेक्चर्स भी स्टूडेंट्स, वो भी ऑनलाइन हो रहे हैं. लाइक यू टेल मी, ऐसी कौन सी चीज़ है जो ऑनलाइन नहीं होती है? आप टेक द एग्जाम्पल ऑफ स्विगी, जोमैटो. ये लॉकडाउन के टाइम में इट वॉज ऑल्सो अ बिग हिट. वाई? बिकॉज आइडियली यू नो रेस्टोरेंट्स बंद थी, दे वे जस्ट गिविंग आउट टेक अवे, मतलब आप पार्सल लेके जाओ, समथिंग लाइक दैट. ओके, तो आई मीन ऑब्वियसली लोग दूर नहीं जाते. स्विगी जोमैटो पे ऑर्डर करो, बियॉन्ड सर्टन अमाउंट यू गेट फ्री डिलीवरी ऑल्सो. ओके, मतलब घर बैठे हमें सब फैसिलिटीज मिल रही है. ओके, लाइक इवन इफ आई विल टेल यू, आई हैड हर्ड, मैं कल ही पढ़ रही थी स्टूडेंट्स की यू नो देर वॉज सम फार्मर्स और समथिंग, वॉट दे बेसिकली डिड इज यू नो, उन्होंने कोविड के टाइम में दे केम अप विथ अ ब्रिलियंट आइडिया कि कस्टमर्स के घर तक हम प्रोडक्ट्स कैसे पहुंचाए एट द राइट टाइम. तो दे स्टार्टेड सम ऐप और समथिंग लाइक दैट, राइट? सो इसमें क्या हुआ बेसिकली यू नो, उनके जो थे दे अर्नड वेरी गुड अमाउंट ऑफ मनी. आप अगर देखते हो स्पेशली आफ्टर कोविड स्टूडेंट्स, यू नो लेट मी टेल यू वन थिंग, फ्यूचर में इफ आगे एनी वन ऑफ यू वॉन्ट्स टू डू अ कोर्स ऑन डिजिटल मार्केटिंग, दैट इज ऑल्सो वेरी मच इन ट्रेंड दीज डेज, डिजिटल मार्केटिंग का जो कोर्स है. सो सी अगेन वन मोर एग्जाम्पल इज शेयर्ड बाय योर फ्रेंड, राइट शमल? डॉक्टर्स कंसल्टिंग ऑनलाइन ऑन प्रैक्टो. एब्सोल्युटली, डॉक्टर्स भी यू नो लाइक कोविड के टाइम में यू नो सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, हो सके उतना घूमना फिरना कम करना है. तो जरूरी नहीं है डॉक्टर तुम्हारे घर पे आएगा, बट एटलीस्ट दे कैन गाइड यू, राइट, कि ये दवाई लो, वो दवाई मत लो. ऑनलाइन आजकल कुकिंग क्लासेस भी आर वेरी मच इन ट्रेंड. ओके, कितने मेहंदी एंड ऑल ऑल्सो आई हैड सीन, यू नो स्टूडेंट्स लेट मी टेल यू, कॉलेज का ही अगर मैं बताऊँ, वी हैड कंडक्टेड, बिकॉज मैं वो रिसेंटली संभाल रही थी, मेहंदी कंपटीशन ऑनलाइन हुआ, इट वाज अ बिग हिट. सब गर्ल्स ने अपने कैमरा रख के, दे वर डूइंग ऑल गुड, वी कुड सी देम. ओके, सो आई मीन हाउ ऑनलाइन कोर्सेज ऑल्सो, इफ आई विल टेल यू यू नो MBA हो जाता है ऑनलाइन, डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं, सो मैनी रिसोर्सेज. अगर मैं बात करूँ तो ये जो पूरा सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स, दैट इज नोन एज ई कॉमर्स. इसमें भी नॉर्मली ई कॉमर्स का अगर आप देखो, जो भी ट्रांजेक्शन्स ऑनलाइन होते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग एक पार्ट है उसका. उसके अलावा भी हम बोलते हैं ना BTS, मतलब बिहाइंड द सीन्स, काफ़ी कुछ चीज़ें होती है. लाइक यू नो जस्ट एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, आई न्यू वन ऑफ माई प्रीवियस स्टूडेंट्स. ओके, ही वॉज फ्रॉम अनदर कॉलेज. ही हैड ऑल्सो डन अ कोर्स ऑन एथिकल हैकिंग, अगर आपको पता है एथिकल हैकिंग मीन्स वॉट स्टूडेंट. सी हैकिंग नॉर्मली इफ आई विल टेल दिस टर्म, एवरी वन, सबको वो रॉन्ग मीनिंग ही लग जाता है, राइट, हैकिंग का, कि किसी का सिस्टम हैक करो. बीच में यू नो हुआ था इंडिया में, सबके ATM कार्ड्स एंड ऑल हैक हो गए थे, लोगों के यू नो अकाउंट में से पैसे चले गए थे, समथिंग लाइक दैट. इट्स नॉट ऑलवेज ऑन दी नेगेटिव साइड. अगर आप देखो मे बी जो साइबर क्राइम डिपार्टमेंट है, और फॉर एग्जाम्पल पुलिस भी यू नो समटाइम्स दे ट्राई टू आइडेंटिफाई, तो फॉर देम एथिकल हैकिंग इज ऑल्सो अ वेरी गुड कोर्स. बिकॉज हम बोलते हैं ना, इफ फॉर एग्जाम्पल थीफ हमसे एक स्टेप अहेड है, तो आइडियली पुलिस को उससे 5 स्टेप अहेड होना पड़ता है, समथिंग लाइक दैट. ठीक है, तो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड. या इसमें किसी को कुछ डाउट है इन अंडरस्टैंडिंग ई कॉमर्स स्टूडेंट्स? दिस वॉज जस्ट द बेसिक थिंग. ओके, आप लोग अगर आप देखते हो, आई एम श्योर स्टूडेंट्स यू मस्ट नो, ये 2000 एंड ऑल के बाद
जब इंडिया में एलपीजी एंड ऑल आया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, आप लोग भी ये सब कोर्सेज जो पढ़ते हो, एक्सेल, लाइक यू नो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, आप सब वर्क प्लेस पे जाओगे स्टूडेंट्स, ये सब आपको काम आने ही वाला है. एक्सेल है, वर्ड, पीपीटी, ओके. आई मीन अगर तुमको वो नहीं आता है तो वो लोग को तुम्हारा ये इमेज होगा कि अरे तुम कौन से गांव से आए हो. ओके, ईमेल करना, दिस ऑल इज वेरी कॉमन दीज डेज. ओके, कंपनी में भी इफ यू सी सिस्टम्स यूज करना है एंड ऑल. आई रिमेम्बर गोदरेज का, इफ आई विल गिव यू एग्जांपल, यू नो पहले के टाइम में अटेंडेंस के लिए ये एचआर का पार्ट हो गया. यू नो वी यूज टू लिटरली साइन ऑन द मस्टर कि हम लोग इतने बजे आए हैं. उसमें फिर थोड़ा, इफ आई विल टेल यू ना, वो भी होता था क्या, डिले एंड ऑल, कि फॉर एग्जाम्पल यू ना, हम लोग जो है 9 बजे आए बट हमने 8:30 लिख दिया. यू नो अभी गोदरेज में दे हैव समथिंग नोन एज थंब अटेंड, लाइक अटेंडेंस थ्रू योर थंब. ओके, मतलब आपको सिर्फ वो मशीन पे थंब रखना है. सो इफ यू डोंट नो स्टूडेंट्स, हर किसी का जो थंब इम्प्रेशन होता है दैट इज डिफरेंट. दैट इज समथिंग वॉट इज यूनिक अबाउट अवर थंब. आपने कई बार देखा होगा इन सीरियल्स एंड ऑल, लाइक सीआईडी एंड ऑल, वो लोग चोर को आइडेंटिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिंगरप्रिंट्स, राइट, बिकॉज सबके अलग होते हैं. सो यहाँ पे वही चीज के बारे में कहा गया है. ओके, सो उससे अटेंडेंस ऑटोमेटिकली मार्क हो जाता है. सीसीटीवीज है, यू नो ऑडियो स्पीकर्स है, ये सब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस स्टूडेंट्स. यस राइट शमल, बायोमेट्रिक मशीन्स मीन्स कई बार आपके जो आई कार्ड भी होते हैं, ओके, उस पे देयर इज समथिंग नोन एज अ चिप, माइक्रोचिप हम बोलते हैं, वो अटैच्ड होता है. उसके बेसिस पे हमारा अटेंडेंस ऑटोमेटिकली मार्क हो जाता है. यू नो सो पहले जो प्रॉब्लम होते थे कि मैं मस्टर में आया, टाइम का झोल कर दिया, इट यूज टू हैपन. यू नो उस पे एक आर्टिकल था, लाइक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होता था नॉर्मली, जो लोग है वी कॉल दैट वर्ड एज सेटिंग. ओके, सेटिंग किया करते थे क्या, कि आज मैं नहीं आऊंगा तू मेरा अटेंडेंस लगा, कल तू मत आना मैं तेरा अटेंडेंस लगाऊंगा, समथिंग लाइक दैट. तो ऑनलाइन अगर आप देखते हो स्टूडेंट्स, सो मेनी थिंग्स आर ईज्ड आउट. ओके, कितना इजी हो गया है सब कुछ, एंड ऐसा नहीं है कि ये करना इम्पॉसिबल है, राइट. सो आई होप आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आया व्हाट द होल सब्जेक्ट इज अबाउट, करेक्ट. अब हम ये सब चीजें ही आगे के लेक्चर्स में वी विल स्टडी इन डिटेल, कि बेसिकली यू नो फर्स्ट ऑफ ऑल मे बी नेक्स्ट लेक्चर या तो नेक्स्ट टाइम व्हेन वी मीट, वी विल सी कि इंटरनेट का कंसेप्ट एंड ऑल कैसे आया. आई एम श्योर आप लोगों ने स्कूल में पढ़ा होगा स्टूडेंट्स, यू नो कंप्यूटर्स जो बहुत पहले आए थे. मैं आपको नेक्स्ट टाइम पीपीटी भी दिखाऊंगी व्हेन वी डू द टॉपिक. दे वर लिटरली वेरी ह्यूज. अगर आप देखते हो, हाउ विल आई एक्सप्लेन यू नाउ, एक पूरा एक बड़ा रूम होता है ना, वो साइज के कंप्यूटर्स हुआ करते थे व्हेन दे वर फाउंड. काफी साल पहले की बात हो रही है. आज अगर आप देखो साइज धीरे धीरे कितना कॉम्पैक्ट हो रहा है. पहले का यू नो लैपटॉप्स भी जो थे, अगर आपके घर से पहले सबके घर पे वो पीसी हुआ करते थे, हम पर्सनल कंप्यूटर्स बोलते थे, कितना हैवी होता था वो, उसमें सीपीयू होता था, माउस होता था, कीबोर्ड होता था. आज के टाइम में लैपटॉप हम इधर उधर किधर भी लेके घूम सकते हैं, राइट. हाउ थिंग्स आर बिकमिंग कॉम्पैक्ट. मोबाइल फोन इफ वी टॉक अबाउट, यू नो इट हैज बिकम इवन अ मोर कॉम्पैक्ट वर्जन. आप देखो स्टूडेंट्स, आप देखो, आई विल टेल यू नो, मैं मेरे लेक्चर के रिपोर्ट एंड हॉल है, मुझे इनफैक्ट कई बार अभी मैं लैपटॉप से ज्यादा, आई विल टेल यू वेरी ऑनेस्टली, आई यूज माई फोन, बिकॉज फोन में भी एवरीथिंग यू कैन डू, वर्ड, एक्सेल, पीपीटी. ओके, मैं तो ऑनेस्टली फोन से ही करती हूँ, बिकॉज इट बिकम्स वेरी इजी. लैपटॉप खोलो, स्टोर करो, फोन में क्या, इट बिकम्स वेरी सिंपल. ओके, सो वही मैं, एप्स भी अगर आप देखो स्टूडेंट, सब फोन में एंड ऑल, इट हैज बिकम सो इजी टू एक्सेस. ओके, लाइक मेडिसिन का है, टोटली फॉरगॉट स्टूडेंट्स, कोविड का टाइम का है, यू माइट हैव हर्ड ऑफ फार्म इजी, मेड लाइफ, नेट मेड्स,
कितने सारे एप्स है, मेडिसिन्स ऑर्डर करना ट्रेडिशनली, अगर फॉर एग्जांपल कई बार कुछ संडे है, फेस्टिवल है, हो सकता है कि रात के हमें 1 बजे मेडिसिन अर्जेंसी आ गया कुछ, हम बाहर जाते हैं, वी सो एवरीथिंग इज क्लोज, हम कहाँ भागा दौड़ी करेंगे। आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हो स्टूडेंट्स, विद इन 24 आवर्स आपके डोर स्टेप पे आपको मेडिसिन्स आ जाएंगी थ्रू सच एप्स। ओके, सो आई मीन लुक एट वेयर द वर्ल्ड इज, बिल्स की ऑल्सो इफ आई टॉक अबाउट स्टूडेंट्स, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू यूज इट, लाइट का बिल हो, लाइक योर इलेक्ट्रिसिटी बिल, फोन बिल, आज के टाइम में वो सब भी हम ऑनलाइन पे कर सकते थे, पहले लिटरली उसके लिए भी लाइन लगती थी। आई मीन सी स्टूडेंट्स, अगर चलो कोई हमें कुछ फ्री में दे रहा है देन दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट ये तो हम किसी को पे कर रहे हैं, राइट? तो उसके लिए भी लाइन लगती थी, कैन यू इमेजिन, वी हैव टू पे समवन। तो मैं आपको वही समझाने की ट्राई कर रही हूँ स्टूडेंट्स, कि हाउ थिंग्स हैव चेंज्ड बिकॉज ऑफ ई कॉमर्स, करेक्ट? सो आई होप आप लोगों को समझ में आया है। सो एनी वन इज हैविंग एनी डाउट, ये मैंने आपको जस्ट एक आई गेव यू अ रफ आइडिया। ओके, सो अभी वी विल टेक अ ब्रेक फॉर 5 मिनट्स, आफ्टर दैट यूजिंग द सेम मीटिंग लिंक यू विल हैव टू ज्वाइन द सेशन, ठीक है? सो आई विल जस्ट स्टॉप रिकॉर्डिंग, जस्ट गिव मी अ मिनट।